हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी पहुंचे फरीदाबाद, जानी पूरी खबर इंसाफ की बात पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने जिला पलवल और फरीदाबाद में दो विजय संकल्प रैली की। जी हाँ, इसमें मुख्यमंत्री ने लोगों से नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए फरीदाबाद लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार कृष्ण पाल गुर्जर के लिए वोट मांगी। वहीं इस मौके पर कृष्ण पाल गुर्जर भी मंच पर उपस्थित रहे। दरअसल एनआईटी फरीदाबाद विधानसभा की डबो अनाज मंडी में मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 जून के बाद कॉलोनियों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल से केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए हैं। जरा सुनिए। कांग्रेस के अंदर एक भय का वातावरण है, वो अपने प्रत्याशी सुबह नाम लेते हैं किसी और का, वो भाग जाते हैं, शाम को किसी और का लेते हैं, वो भाग जाते हैं। मंथन चल रहा है, कभी तो राहुल गांधी के घर में मंथन चलता है, कभी सोनिया के यहाँ मंथन चलता है और कभी खड़गे के यहाँ मंथन चलता है। अच्छा है उन्होंने कांग्रेस से पहले कर दी, ये तो जमानत जब्त पार्टी है कि अब की बार कृष्ण पाल 10 लाख पार करनाल से ये आवाज आ रही है और सबसे बड़े बहुमत से कृष्ण पाल भी जीतेंगे, 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो एक नई करवट ली है, जो गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने किया है, हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है, जो किसानों को मजबूत करने का काम ये नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने किया है, महिलाओं को सशक्त करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। वही मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि ये जमानत जब्त पार्टी है और इस चुनाव में भी इसके साथ ऐसा ही होने वाला है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी 400 पार तथा हरियाणा में सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करेगी। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें इंसाफ की बात।